अभी हमारे ऑटो के टू डी प्ले के अंदर प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं अभी शायद थर्टी या थर्टी फाइव तक वीडियो हमने कर चुका है सब असाइनमेंट के लिए ओके okay, और इतने सारे असाइनमेंट करने के बाद हमें प्रैक्टिस करना ऑब्वियसली मांगता है तो हम इस वाले का प्रैक्टिस किए थे सिर्फ कमांड लाइन की मदद से कोई भी ऊपर वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं किए थे ड्राॅइंग करते टाइम ओके okay, उसके बाद हम यहाँ पर एक इस ड्राॅइंग को किए थे यहाँ पर बहुत मजा आया था क्योंकि यहाँ पर थर्टी डिग्री से हमें इस डिस्टेंस को निकालना पड़ा थोड़ा सा दिमाग खटाकर गया उसके

तो एक बार प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रैक्टिस के लिए से बहुत ही अच्छा है वीडियो है उसके बाद हमने इस वाले वीडियो कहा था किया था इस वाले वीडियो में हमने थोड़ा देखा था कि इस तरह से हम कैसे डायमेंशन दे सकते हैं ओके तो आसान है पर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो हाथ टू हो जाएगा आज जा हम इस वाले असाइनमेंट को करेंगे इस वाले असाइनमेंट को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारा लाइन करते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो नहीं तो यूट्यूब आप, आप मोबाइल से देखोगे तो आपका स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा यहाँ पर मैं व्हाइट लाइन ले लेता हूँ उसके बाद मैं अंदर वाला सर्कल करूंगा अंदर वाला सर्कल करने के लिए मैं यहाँ पर सी दवा का इंटर मारूंगा सी फॉर सॉरी सी का इंटर मारूंगा सी फॉर सर्कल कहीं भी एक फिक्स पॉइंट लूंगा उसके बाद देखूंगा ये रेडियस वाला है या डायमीटर वाला है यहाँ पर ये अरे दिया है यार यहाँ पर टू पॉइंट नाइन फोर लिखा है रेडियस है या डायमीटर है तो नॉर्मली यहाँ पर कोई लोगो नहीं दिखा है पर फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि ये यहाँ पर डायमीटर है अगर तुम इसको रेडियस समझ लोगे ना तो इसका डायमीटर कितना हो गया पता है इसका फाइव समथिंग डायमीटर आ जाएगा जो इस बाहर वाले सर्कल को छोड़कर यहाँ पर निकल जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए हम इसको डायमीटर समझ लेंगे तो यहाँ पर मैं इसका डायमीटर है तो डी दबा के एंटर मार रहा हूँ उसके बाद डायमीटर दूंगा दबा के मारूंगा। ओके, उसके बाद करके थोड़ा कर तो हमारा ए वाला डायमेंशन हो गया तो हम इसका क्रॉस कर देंगे नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये तो बहुत ही आसान सा ड्राइंग है छोटा सा ड्राइंग है पर इससे पहले हम जो ड्राइंग यहाँ पर किया है ना या ए अगर मतलब तुम क्रॉस नहीं करोगे तो तुम पागल हो जाओगे ए वाला ड्रॉइंग करते टाइम या फिर हमारा ए वाला ड्राइंग करते टाइम इतना डायमेंशन था कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो पाक कंफ्यूज होकर मतलब ऑटो कैट तो छोड़ ही दो यार <laughs> ओके रात का नींद ही उड़ जाता है उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं बाहर वाला सर्कल करेंगे उससे पहले ना ये ए, ए वाला छोटू सा चीज़ कर लो छोटू सा चीज़ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर मैं लाइन लूँगा इल दबा के एंटर मारूंगा उसके बाद यहाँ पर छुका सेंटर पॉइंट लूँगा उसके बाद यहाँ पर ट्रैक करते हुए लाइन लेता हूँ अगर ये ट्रैक या सेंटर पॉइंट ये सब नहीं आ रहा है यहाँ पर ना ये लाइन सेंटर पॉइंट में शायद नहीं है इसको मैं अगर क्लिक करूंगा यहां पर सेंटर पॉइंट को अह इसका सेंटर पॉइंट देखो लाइन से थोड़ा सा दूर चला गया है तो हम इस लाइन का मिडिल पॉइंट लेंगे मिडिल पॉइंट लेने के बाद यहां पर सेंटर पॉइंट पे ले आके दबा देंगे ओके तो हमारा काम खत्म उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करते हैं हां एकदम सही जगह पर है ओके कभी कभी सेंटर पॉइंट पर नहीं आता कोई झमेला नहीं है उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं यहाँ पर ये कितना ऊपर है ये यहाँ पर आ, अच्छा ये यहाँ पर पॉइंट ऊपर है तो हम इस ऊपर वाले चीज को यहाँ पर छोड़ देते हैं कैसे छोड़ देते हैं यहाँ पर हम टी आर डबल एंटर करेंगे यहाँ पर एक बार क्लिक कर लो टी आर डबल एंटर करेंगे तो इस ऊपर वाले पार्ट पार को ट्रिम कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लाइन टूल लेंगे यहाँ पर एल दबा के एंटर मारूंगा उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ पर देखो एकदम इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा उसके बाद ऑर्थो को ऑन कर लो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा इधर उधर मतलब एंगल हो सकता है उसके बाद हम ऊपर कितना लेंगे जीरो पॉइंट वन टू लेकर एंटर मारेंगे ऊपर जाने के बाद इधर हम कितना लेंगे यहाँ पर इसका थिकनेस जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सेवन जीरो दिया है उसके बाद एंटर मारेंगे तो ये थोड़ा इतना हो गया ओके कोई बात नहीं उसके बाद स्क्रिप दबा देंगे उसके बाद इसको पकड़ के यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट को पकड़ के तुम यहाँ पर ले लेकर छोड़ दो काम खत्म उसके बाद हम क्या करेंगे एल दबा के एंटर मारेंगे उसके बाद मतलब एल मतलब लाइन उसके बाद यहाँ पर नीचे ले लिया छोड़ देंगे स्केप दबा के स्पेस दबाएंगे स्पेस दबाने से पिछला वाला कमांड रिपीट होता है फिर से हम यहाँ पर लाइन लेके छोड़ देंगे स्केप दबा देंगे टी आर अच्छा और एक चीज़ बाकी रहेगा एल दबा के एंटर मारेंगे यहाँ पर और एक ऐसा करके ओके अब सही है उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पूरे को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद एम फॉर मूव मूव कहाँ से करेंगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट पर हम मूव करेंगे उसको ले आके यहाँ पर छोड़ देंगे उससे हमारा काम खत्म हाँ एकदम सही है उसके बाद हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ पर इस पार्ट को डिलीट मारो उसके बाद टी आर डबल एंटर करो यहाँ पर ट्रिम हो गया यहाँ पर भी ट्रिम हो गया यहाँ पर भी ट्रिम हो गया यहाँ पर भी ट्रिम हो गया और यहाँ पर भी ट्रिम हो गया उससे अब देखो तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि सही है कि नहीं है तो तुम यहाँ पर आ, क्लिक कर लो यहाँ पर स्केल को ले लो स्केल को लेने के बाद पर क्लिक, करो, आ, क्लिक करने के बाद देखो पूरा कितना दिखा रहा है जीरो पॉइंट सेवन दिखा रहा है और ऊपर नीचे कितना दिखा रहा है जीरो पॉइंट वन टू दिखा रहा है सही से देखो यहाँ पर देखो जीरो पॉइंट वन टू दिखा रहा है और अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर डी आई दवा के एंटर मार रहा हूँ यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अगर ले जाओ तो देखो जीरो पॉइंट सेवन दिखा रहा है उसके बाद मैं अगर आ, स्पेस दबा के यहाँ पर ऊपर क्लिक करके नीचे ले आऊं तो देखो जीरो पॉइंट वन टू दिखा रहा है ओके यही का तो डिस्टेंस है यहाँ पर जो ये जो दिया है ये मिडिल से थोड़ी ना दिया है ये तो धार से दिया है यहाँ से यहाँ से दिया है ओके समझ गए तो यही कंफ्यूज होता है तो यहाँ पर देखो ये एकदम सही दिखा रहे यहाँ पर क्लिक करके मैं अगर स्पेस दबा के यहाँ पर क्लिक करके मैं अगर यहाँ पर ले देखो जीरो पॉइंट वन टू ही दिखा रहे मतलब हमारा डायमेंशन एकदम सही है इसके मारते हैं उसके बाद ये अंदर वाले पार्ट को भी ट्रिम कर देते टी आर डबर एंटर करेंगे उसके बाद ये यह यहाँ पर ट्रिम कर देते अच्छी बात है जो भी सेव कर लो नहीं तो क्या पता डिलीट हो जाएगा तो फिर से कष्ट करना पड़ेगा और नीचे वाला लाइन क्यूँ रहेगा इसको भी डिलीट मार दो या कोई कोई ई दबाना पसंद करता है तो सिलेक्ट करके ई दबा के भी एंटर कर सकते हो या डिलीट भी दबा सकते हो तुम्हारी मर्जी उसके बाद हम सी फॉर सर्कल लेंगे एंटर मारेंगे उसके अंदर को छू कर यहाँ पर क्लिक करेंगे <coughs> क्लिक करने से एक सर्कल होगा यहाँ पर बाहर वाला जो सर्कल है इसका भी डायमीटर ही दिया है तो हम डी दबा के इंटर मार रहे हैं इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है अच्छा यहाँ पर क्या दिया अच्छा डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4.16 दिया हुआ है तो यहां पर यह रोस मैं गलत क्यों बोल देता हूँ फोर पॉइंट जीरो मारूंगा उसके बाद और एक सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है देखो ध्यान से देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है ये यहाँ पर घुमादार लाइन है मतलब यहाँ पर एक पूरा सर्किल ही है जिसका डायमीटर अच्छा ये पर कंप्लीट होगा इसको काट देंगे ये भी भी कंप्लीट होगा इसको काट देंगे देखो तो इसका डायमीटर दिया हुआ है तो ये भी हम करने जा रहे हैं इसको भी काट देंगे उसके बाद हम यहाँ पर सी दबा के एंटर मारेंगे या स्पेस भी दबा सकते थे यहाँ पर छूप कर सेंटर पॉइंट लेंगे सेंटर पॉइंट लेने से यहाँ पर बाहर कितना जाएंगे डायमीटर दिया हुआ है तो डी दबा के एंटर मारूंगा डायमी कितना दूंगा फोर पॉइंट फोर पॉइंट फाइव जीरो दवा का एंटर मारूंगा तो हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद हम एरे का यूज करेंगे थोड़ी देर बाद समझ ही जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं लाइन टूल का यूज़ कर रहा हूँ एल दबा के एंटर मारूंगा उसके बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूंगा फिलहाल यहाँ पर इसके दबा दूंगा उसके बाद अच्छा मैं गलत कर दिया लाइन क्यों ले लिया इसका एंगल लेना था अंडू कर दो या फिर इस लाइन को डिलीट मारो जो भी करो एल दबा के एंटर मारो उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये कितना डिग्री है ये यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है क्या यहाँ पर अच्छा डिग्री नहीं दिया हुआ है ओफ अच्छा तो डिग्री नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे अच्छा डिग्री नहीं दिया है तो क्या बात है कोई बात नहीं एक सेक्सिस के पैरल तो यहाँ पर है तो हम यहाँ पर एक सेक्सिस के पैरल एक लाइन खींच लेंगे लाइन खींच ले स्केप दबा देंगे स्केप दबाने के बाद यहाँ पर देखो ये पूरा थिकनेस दिया हुआ है ये देखो छोटा सा थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है जीरो छोटा सा दिया हुआ है तो बड़ा देने का कोई मतलब नहीं बनता बेकार दिया है तो छोटा सा क्या है जीरो पॉइंट थ्री फाइव तो ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसको हम कार्ड देते हैं जीरो पॉइंट थ्री फाइव इसका हम, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस लाइन को क्लिक करो सिलेक्ट करो ओ एफ एफ दबा के ऑफसेट लो एंटर मारो उसके बाद उस ऊपर उप, कितना जीरो पॉइंट थ्री फाइव के एंटर मारो ऑफसेट क्लिक करो उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके नीचे तरफ भी आके क्लिक करो काम खत्म उसके बाद इसके मारो इसके मारने के बाद यहाँ पर ट्रीम करो टी आर डबल एंटर मारो यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा उसके बाद ये अंदर का पार्ट भी ट्रीम करो उसके बाद ये वाला पार्ट भी हाँ ये वाला पार्ट भी ट्रिम करो उसके बाद क्या करना है यहाँ पर इस सर्कल को ट्रिम कर दो क्या नहीं सर्कल को ट्रिम नहीं करना इस पार्ट को इस पार्ट को और इस पार्ट को ट्रिम करो और यहाँ पर बाहर वाले को भी ट्रिम कर दो कोई ज़रूरत नहीं है बार -वाले बार का उसके बाद स्केप दबा दो अब हम क्या करेंगे इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट अरे ये क्या हो गया इस पार्ट को सिर्फ सिलेक्ट करना है इसको 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 सिलेक्ट किया उसके बाद हम यहाँ पर एरे लेंगे एरे ये आर दबा के हम एरे एंटर मारेंगे एंटर मारने के बाद हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर ये क्या चीज है यार अच्छा यहाँ पर पोलर एरे तो हम पोलर एरे ही लेने चाह रहे हैं तो पी शॉर्टकट लिखा है ना इसलिए चट मतलब जल्दी से समझ में नहीं आया तो पोलर एरे यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद सेंटर पॉइंट सिलेक्ट से करेंगे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट से करने के बाद यहाँ पर हमें मांग रहा है ऊपर कितना यहाँ पर आइटम्स कितना है गिन लेते एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो हम यहाँ पर टेन दबा के बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेन हो गया उसके बाद तुम यहाँ पर स्केप मार दो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद टी आर डबल एंटर मारो तो इसको ट्रिम करो इसको भी ट्रिम करो इसको भी ट्रिम करो यहाँ पर भी ट्रिम करो यहाँ पर भी ट्रिम करो यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो ये हमारा लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पर लाइन डेप्थ को थोड़ा कम कर लेंगे सेंटर लाइन देने के लिए योलो करेंगे उसके बाद एनोडेट पर, आन, पर जाके सेंटर लाइन को लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सेंटर लाइन आ जाएगा ऑटोकेट ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद से सेंटर लाइन आया है उससे पहले नहीं था ओके अगर तुम ऑटोकेट ट्वेंटी ट्वेंटी या टेन चला रहे हो तो तुम्हें लाइन टूल का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी चेंज करके सेंटर लाइन लेना पड़ेगा याद रखना ओके तो ऑटोकॉट ऑटोकॉट को, को अपडेट करो नहीं तो पुराने वाला यूज करो उसके बाद डायमेंशन वगैरह जे दे दो अगर तुम्हें यहाँ पर डायमीटर ऐसे करके डायमीटर देना नहीं आता और तुम यहाँ पर क्या करोगे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर तुम यहाँ पर डायमीटर वाला लोगे डायमीटर वाला लेने के बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पर ऐसे डायमीटर देने लग जाए पर यहाँ पर ऐसे तो नहीं दिया है यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर ऐसे दिया है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा छोड़ो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है मेरे प्ले पर देखो वो पहले पाँच छह वीडियो देखो तुम्हें में आ जाएगा या फिर तुम थमनेल भी देख सकते हो जहां पर इस तरह से डायमीटर दिया है वो उस वीडियो को क्लिक करके देख लो मैंने बहुत सारा वीडियो पर दिखाया है ओके पर टेक्स्ट ऑप्शन पर जाके यहाँ पर डायमीटर सिंबल ऐड करना पड़ता है जो भी हो ओके तो फिलहाल के लिए आज के लिए बाय बाय सब कुछ यहाँ पर दे देना और यहाँ पर देखो एरो अंदर की तरफ है एक ऐसे करोगे यहाँ पर इस एरो पर यहाँ पर इस पूरा डायमेंशन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आके एरो को फ्लिप कर देना तो देखो ये अंदर की तरफ चला जाएगा ओके तो इस तरह से करना और यहाँ पर ये ब्लू क्यू है ये यो, 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 योलो क्यू है इसको हम हमेशा डायमेंशन ब्लू में देते आए हैं ओके तो आज के लिए बाय बाय फिर मिलता है ओके okay. और अगर ये थोड़ा सा छोटा हो गया है ना हाँ ये थोड़ा सा छोटा हो गया है और इसका स्केल अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर आ, कौन सा वीडियो देखो ए वाला वीडियो देखो ए वाला वीडियो देखो इसका स्केल मैंने बड़ा किया था और बड़ा करने के बाद यहाँ पर डायमेंशन में जो एरर आता है उसको भी हमने ठीक किया था हमने स्केल का बड़ा क्यों किया था क्योंकि ये इतना छोटा था ये जो छवि ये जब हम इस टेम्पलेट को प्रिंट कर प्रिंट आउट करेंगे ना तो ए वाला छवि दिखेगा ही नहीं तो इसलिए हमें इसका स्केल को बड़ा करना पड़ेगा ये दिख रहा है पर इसको अगर टू इन टू स्केल बड़ा करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो प्ले का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा आज के लिए Bye bye guys.